नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में अब सपा नेताओं ने मारपीट शुरू कर दिया है। ताजा मामला चंदौली के सकलडीहा विधानसभा का है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव ने सीधे डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह को गर्दनियां देकर अपने सिर से उनके सिर पर टक्कर मारा। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की किया और हंगामा काटा, तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें रोका। आप देख सकते हैं वायरल वीडियो में किस प्रकार विधायक जी डिप्टी एसपी को गर्दनियां देते हुए अपना सिर टकराने के साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े हैं और सपा कार्यकर्ता विधायक जी के समर्थन में पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं। बताते चले कि रविवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। मुख्यमंत्री की चंदौली के रामगढ़ में सभा हो रही थी, जहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे। इसी दौरान सीएम के सुरक्षा घेरे को तोड़कर सकलडीहा के विधायक प्रभु नारायण यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सीएम को जिले की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन देने की जिद के लिए कार्यक्रम स्थल पर जा रहे थे और पुलिस से झड़प हो गई। सपा नेताओं ने भी पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बीच सपा नेताओं के द्वारा सीएम के चुनावी जनसभा में ज्ञापन सौंपने के बहाने पुलिस के आला अधिकारियों से भिड़ंत और हंगामा इस बात की गवाही है कि यूपी के 2022 के चुनावी दंगल में अब सपा कार्यकर्ता भाजपा को सीधी टक्कर देने के लिए किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं। तभी तो इस मामले की वीडियो वायरल होते ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए सपा पर तंज कसा कि लाल टोपी वाले अपनी ट्रेनिंग का छोटा सा नमूना दिखाते हुए। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।